कायस्थ सेना के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती के अवसर पर पैडलीगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कायस्थ सेना के सदस्य रमन अस्थाना ने कहा कि गरम दल के नेता तथा आजाद हिंद फौज व समस्त भारत के जननायक नेता सुभाष चंद्र बोस को देश के प्रति लगाव को कोई कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नेताजी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देश की आजादी में आग की तरह कार्य किया और उनके साहसपूर्ण कार्यों का ही नतीजा है कि हम सब आज आजाद हैं। इस अवसर पर कायस्थ सेना के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर राजीव अस्थाना, जिलाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, एडवोकेट संजय श्रीवास्तव, इंजीनियर बी के श्रीवास्तव, वीरेंद्र श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कायस्थ सेना के रमन अस्थाना ने कहा, रमन अस्थाना का सेना। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। वो भारत के वीर सपूत थे, उन्होंने अपने दम पे भारत को आजाद कराया और 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा फहरा करके देश की आजादी का ऐलान कर दिया था। लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ, देश का विश्वासघात हुआ। हालांकि 9 देशों ने उनका समर्थन प्राप्त रहा कि देश आजाद हुआ। ऐसे वीर पुरुष सबूत को, हम खंडकाई सबूत को हम नमन करते हैं, सदा सुमरण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।